मैं हूं आपका दोस्त विवेक और आप देख रहे हैं बीबीएन मीडिया नेटवर्क। दोस्तों आज के इस वीडियो में द कश्मीर फाइल्स के थर्ड डे के ऑक्यूपेंस रिपोर्ट के बारे में आप सबों को जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं अभी तक इस मूवी को देखा नहीं हूं और जिस तरीके से लोगों की रिस्पॉन्स आ रही है बहुत ही शानदार मूवी है। फर्स्ट डे के कलेक्शन आपने देखे होंगे 3.5 करोड़ का आया और जो सेकेंड डे का कलेक्शन आने वाला अर्ली एस्टिमेट 7 करोड़ का आ रहा है कि 7 करोड़ जो है सेकेंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है। अभी ऑफिशियल नहीं आई है, मैं ऑफिशियल आएगा तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। जहां तक रही बात थर्ड डे की ऑक्यूपेंस रिपोर्ट के बारे में, तो भाई मैं 9:30 बजे वाला शो बुक कर रहा था, भाई सारे के सारे सीटी फुल थे और अभी मैं 12:30 बजे वाला शो देख रहा हूं कि कहीं अवेलेबल हो जाए, तो भाई बगल में वेव है 100% भाई सीटें फुल है। सिनेपोलिस में देखा उसमें भी फुल है। मैं बगल में आपको डाल दूंगा इसका पेज जो कि कैसा स्थिति इसका फुल है। और एक थोड़ा यहाँ से एयरपोर्ट के पास में मौसी के पास में कुछ मतलब सिनेमा घर है जैसे फिनिक्स हुआ, वहाँ चेक कर रहा था, वहाँ भी यार फुल दिखा रहा है, इवनिंग वाला भी शो फुल दिखा रहा है। तो भाई कैसे कैसे करके मैंने एक सीट बुक किया है तो बुक हो गया बिकॉज़, लेकिन भाई सीट मिलना बहुत मुश्किल है। मैं अहमदाबाद में भी अपने दोस्त के लिए एक सीट बुक कर रहा था इस फिल्म को लेकर, भाई यार फिल्म इतनी गजब की है ना कि लोगों की काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रही है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डेफिनेटली जाके देखिए। रिव्यूज़ मैं अभी इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने फिल्म को देखी नहीं है, बट फिल्म का ट्रेलर और जिस तरीके रिस्पांस है गजब की फिल्म है। जिन लोगों ने भी इस फिल्म को बायकॉट करना चाहा, कपिल शर्मा शो पर ही क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन उन लोगों पर जो है ना ये कलेक्शंस देख के और ये जिस तरीके से रिस्पॉन्स देख के ना उनको भाई क्या कहूँ, बात खत्म। भाई मैं कपिल शर्मा शो देखता नहीं और जितने भी ऐसे लोग जो इस चीज़ को बायकॉट करना चाहते हैं, जो बेहतरीन फिल्म होते हैं उनको बायकॉट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई पैसा ही सब कुछ चीज़ नहीं होती है, कुछ इंसानियत भी रखो, ठीक है। खैर छोड़ो, आज की जो कलेक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो डेफिनेटली 11 करोड़ प्लस की कलेक्शंस होने वाली है और 14 करोड़ की बजट में बनी फिल्म ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक समझे रियलिटी फिल्म भी है और आप लोग डेफिनेटली इस फिल्म को देखने जाए। आज की जो ऑक्यूपेंस रिपोर्ट है अभी दोपहर में भी करीबन 100% फुल जा रही है और हाउसफुल शो चल रहा है, मॉर्निंग वाला भी शो फुल गया, तो आज का दिन जो है ये हाउसफुल ही जाएगा। हो सकता है आपको टिकट मिलना बड़ी मुश्किल से हो पाए इस फिल्म का, तो डेफिनेटली इस फिल्म को देखिए, हो सके आज ना तो कल डेफिनेटली जाइए और फिल्म को इन्जॉय।